हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स रिवाइज इट। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स रिवाइज इट में। दोस्तों, सीजीएल 2022 का रिजल्ट एक बहुत बड़ी मिथ हो चुकी है। ऑलरेडी 2 महीने से ऊपर का समय हो चुका है, लेकिन रिजल्ट अभी तक नहीं आई है। कुछ दिन पहले तक जो एसएससी सुपर सर्विस कमीशन की तरह वर्क कर रहा था, चाहे वो ऑन टाइम एग्जाम डेट देना हो या ऑन टाइम एसएससी जेई का रिजल्ट देना हो, लेकिन लगता है एसएससी अपने पुराने स्लो सर्विस मोड में चली जा चुकी है। ये एडवर्टीजमेंट आप देख सकते हैं, ये है सीजीएल 2023 का डेट ऑफ एडवर्टीजमेंट, जिसमें लिखा हुआ है 1 अप्रैल 2023 को सीजीएल का नया एडवर्टीजमेंट आएगा। तो उससे पहले सीजीएल को एटलीस्ट मेंस का डेट तो दे देना ही चाहिए, लेकिन अभी तक प्री का रिजल्ट भी नहीं दिया गया है। अब बात करते हैं रिजल्ट कब तक आएगा, स्टूडेंट्स को आखिर कब तक वेट करना होगा। तो देखो, ऐसे तो एग्जैक्ट कोई डेट नहीं बोला जा सकता है, लेकिन कन्वेंशनली जो ट्रैक रिकॉर्ड है एसएससी का पिछले कुछ दिनों में, उससे तो ये है कि 55 से 60 दिन यानी लगभग 2 महीने में रिजल्ट आपका आ जाता है। तो एसएससी सीजीएल प्री को ऑलरेडी 2 महीने हो चुके हैं, तो आप ये मानकर चल सकते हो कि विद इन 5 to 7 days आपका प्री का रिजल्ट आ जाना चाहिए, क्योंकि अगर उससे बाद अगर लेट होता है तो ये आपके मेंस में प्रभावित करेगा, इसका लेट होगा प्रोसेस, और साथ ही साथ जो नया वाला वैकेंसी है उस पर भी इसका फर्क पड़ेगा, क्योंकि जितना इधर लेट होगा उतना ही उधर भी लेट होना तय है, क्योंकि ऑलमोस्ट स्टूडेंट्स जो पुराने हैं वो फिर से देंगे ही देंगे। ठीक है, अब बात करते हैं कि अगर एग्जाम डेट रिजल्ट लेट हो रहा है तो हम क्या करें। तो आपको सबसे पहले तैयारी आपको पूरी करनी है, तैयारी में कोई कसर नहीं छोड़ना है। रिजल्ट आज आए या 2 दिन बाद आए, आना तय है। फिर भी अगर रिजल्ट लेट करते हैं ज़्यादा, तो हम लोग फिर से मिलकर एक ग्रैंड ट्विटर कैंपेन फिर से करेंगे, जैसे पहले हमने किया था। तो आप इसका टेंशन मत लीजिए, आप अपनी तैयारी पूरी रखिए। फिर भी आपको क्या लगता है इसका रिजल्ट कब आएगा और आगे हमें क्या करना चाहिए, अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और एग्ज़ाम के अपडेट को लेकर। तब तक के लिए आप हमारी एसएससी लूसेंट क्वेश्चन सीरीज, जी हाँ, मैंने इसी चैनल पे एसएससी लूसेंट क्वेश्चन सीरीज कराना चालू किया है, जिसमें मैं इंडिया के टॉप एग्जाम्स के क्वेश्चंस का कंप्लीट पोस्टमार्टम करता हूँ, यानी काफ़ी डिटेल्ड में उसको मैं सॉल्व करता हूँ। तो आप उसको देखना न भूलें, आज उसका Part 2 अपलोड होगा। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू, बाय।